इस वक्त एक ताज़ा खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के एक साथ 97 हेडमास्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इन सभी प्रधानाध्यापकों पर छात्रवृत्ति और पोशाक राशि में 1,12,00,000 रुपए गबन करने का आरोप लगा है। शिक्षा विभाग की जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई है। इन सभी 97 प्रधानाध्यापकों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए कानून कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। जय हिंद, नमस्कार, आप देख रहे हैं SS लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। ये सभी हेडमास्टर बिहार के सीतामढ़ी जिले में पदस्थापित हैं। साल 2015-16 में छात्रवृत्ति और पोशाक की राशि वितरण में अनियमितता पाई गई थी। इसको लेकर के DPO स्थापना महेश प्रसाद सिंह ने सीतामढ़ी जिले के 16 प्रखंड के 97 स्कूलों के हेडमास्टर पर केस कर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसमें सोनवर्षा के 13, बथनाहा के 7, सुरसंड के 10, डुमरा के 1, नानपुर के 1, चरौत के 4, पुपरी के 25, बोखरा के 3, बाजपट्टी के 4, बेलसंड के 7, परसौनी के 2, रुनीसैदपुर के 6, बैरगिनिया के 4, मेजरगंज के 3, रिगा के 3 व सुप्पी के 4 स्कूलों के प्रधानाध्यापक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी ने मिलकर छात्रवृत्ति और पोशाक राशि में 1,12,75,700 रुपये का राशि गबन किया है। बताया यह भी जा रहा है कि कई प्रधानाध्यापक ने अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया है। BEO को निर्देश देते हुए कहा गया है कि अगर गबन की राशि संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापकों द्वारा जमा नहीं कराई गई तो 3 दिनों के भीतर साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, नहीं तो संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा गया है। तो आपको बता दें कि DPO स्थापना महेश प्रसाद सिंह ने बताया कि अगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश का पालन नहीं किया तो संबंधित प्रखंड के BO पर भी जवाबदेही निर्धारित करते हुए निदेशालय को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा। DPO ने बताया कि जांच कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश पूर्व में दिया जा चुका था। इसके अनुपालन को लेकर के सभी BO संबंधित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा गया है। साथ ही जो प्रधानाध्यापक राशि जमा कराए हैं उनका साक्ष्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।